अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के वाले से MBBS 2023 की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट जो है वो कब लगेगी, उसमें क्लोजिंग मेरिट कितना रहने के चांसेज हैं और उसमें लास्ट कॉलेज कौन सा होगा, और उसके अलावा जो है BDS के लिए जो है कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो प्रेफर किया है ओवर MBBS, जिसकी वजह से जो है वो मेरिट कम हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों के वाले से इस वीडियो में बात करेंगे। लास्ट वीक जो अपलोड की थी उसमें कुछ गलतियाँ थी, उस वाले से जो है ये री वीडियो जो है वो री अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे पास फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट है MBBS की, वो 15 दिसंबर 2023 रोज जुमा यानी कल लगेगी, और उस वाले से जो है सिर्फ और सिर्फ MBBS की मेरिट जो है वो लगने जा रही है। BDS के लिए जो है वो अलग से शेड्यूल जारी किया जा रहा है UHS की जानिब से। MBBS की जो तमाम पर लिस्टिंग लगने के बाद जो है वो BDS के जो है लिस्टिंग का सिलसिला जो है वो ओपन होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं मेरिट। तो दोस्तों ये हमारे पास तमाम तर डिटेल्स हैं टोटल सीट्स की। अगर हम बात करें तो ओपन मेरिट सीट जो है हमारे पास MBBS की, वो हमारे पास जो है टोटल 3,047 हैं और 14 रेसिप्रोकल सीट्स हैं। तो ये टोटल जो है हमारे पास 3,061 के करीब जो है सीट बन जाती हैं। रेसिप्रोकल का मेरिट जो है वो ओपन मेरिट की सीट फुल होने के बाद, उसके बाद जो है रेसिप्रोकल का मेरिट आता है, उसके बाद जो है वो BDS का मेरिट आता है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास जो है क्लोज मेरिट कितना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो लिस्ट जो है वो प्रेफर किया BDS को। तो हमारे पास जो 3,047 सीटें हैं उन पर जो है हमारे पास 15 से 20 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो है वो हमारे पास BDS को प्रेफर किया है MBBS से ऊपर, जिसकी वजह से जो है वो MBBS को आने वाली लिस्टों में जो है वो मेरिट जो है वो मजीद कम हो जाएगा जब जो है वो BDS के स्टूडेंट्स उसमें से जो है वो निकलेंगे, बिकॉज उनको जो है वो एडमिशन जो है वो BDS में मिल जाएगा। तो इस वजह से अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट लिस्ट की यहाँ पर हम देख रहे हैं, फर्स्ट लिस्ट का जो है हमारे पास लास्ट मेरिट क्या होगा, तो उसमें जो है वो हमारे पास अभी BDS की लिस्टें नहीं लगी, तो उसमें जो है जैसे आपको मालूम है कि जो फाइनल लिस्ट लगी थी उसमें 3,047 मेरिट पर जो था क्लोजिंग मेरिट वो 91.2727 था। तो यही हमारे पास जो है फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट होगा। और लास्ट मेरिट पर कौन सा कॉलेज आएगा इसकी अगर हम बात करें, तो जैसे हम देख रहे हैं पिछले सालों से जो हमारे पास ट्रेंड नज़र आ रहा है उसमें जो है वो हमारे पास डीजी खान मेडिकल कॉलेज जो है वही लास्ट पे होता है। तो इसी तरह जो है इस साल भी जो है डीजी खान मेडिकल कॉलेज डेरा गाजी खान के ही लास्ट मेरिट पोजिशन पर रहने के चांस हैं। तो क्लोजिंग मेरिट 91.2727 है और टोटल स्टूडेंट जिन्होंने BDS को प्रेफर किया वो 15 से 20 स्टूडेंट्स हैं। तो दोस्तों ये थी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मेरिट लिस्ट के वाले से। निकलता तो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।